नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम ऑटो चेंजओवर स्विच बनाना सीखेंगे। दोस्तों देखिए, हमारे घरों में नॉर्मली लोड को चलाने के, लोड का मतलब हमारे घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसको हम यहाँ पे लोड बोल रहे हैं। ठीक है, तो हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है उसको चलाने के लिए हम दो पावर सोर्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, पहला सोर्स हमारा इलेक्ट्रिक पोल हो जाती है। इलेक्ट्रिक पोल से जो पावर सप्लाई आती है वो हमारा सोर्स वन हो गया। ठीक है, और दूसरा सोर्स क्या हो गया, हमारा जनरेटर हो गया या फिर सोलर पैनल हो गया, जिसके द्वारा हम पावर सप्लाई लेके इस लोड को चलाने के लिए यूज़ करते हैं। अभी देखिए दोस्तों, हमें केवल एक टाइम पे केवल एक पावर सोर्स का यूज़ करना पड़ता है। या तो हम पावर सप्लाई इलेक्ट्रिक पोल से ले लें, या फिर जनरेटर से, या फिर सोलर पैनल से, या फिर हमारे घरों में जो बैटरी होती है उनसे ले लें। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं कि हमारा जो ऑटो चेंजेबल स्विच है वो कैसे काम करेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास दो पावर सोर्स है और दोनों के दोनों चालू है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने पावर सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए दो कॉन्टैक्टर यूज़ किए। एक कॉन्टैक्टर हमारा जो मेन इनकमिंग पावर सप्लाई है उसको कंट्रोल करता है, और दूसरा हमारा जो ऑक्सिलरी पावर सप्लाई है। ठीक है, यानी कि जो जनरेटर से सप्लाई आ रही है या फिर सोलर पैनल से सप्लाई आ रही है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो कॉन्टैक्टर वन है वो चालू है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पावर सप्लाई सोर्स वन से आ रही है, लेकिन किसी कारण से जो हमारा सोर्स वन का पावर सप्लाई फेल होता है तो क्या होगा, जो हमारा सोर्स टू का पावर सप्लाई है वो अपने आप लोड के साथ कनेक्ट हो जाएगा। यानी कि ये जो दूसरा कॉन्टैक्टर है वो ऑन हो जाएगी और ये वाला ऑफ हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पावर सप्लाई यहाँ से आने लगेगा। ठीक है दोस्तों, दोस्तों हमारे घरों में वायरिंग कुछ इस प्रकार से होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक पोल होता है उसमें से पावर सप्लाई एनर्जी मीटर में आती है। ठीक है, फिर एनर्जी मीटर के बाद से एमसीबी में चली जाती है, और एमसीबी के बाद में आरसीसीबी में चली जाती है। ठीक है, अब आरसीसीबी के बाद में अलग अलग एमसीबी में पावर सप्लाई जाती है, जो कि हमारे अलग अलग रूम के लिए डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ये एमसीबी है चारों, यानी कि सिंगल पोल के एमसीबी हैं, वो हमारे लोड के साथ कनेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे लोड को हटा देंगे। ठीक है, यानी कि हमारा जो ऑटो चेंजेबल स्विच है उसको वायरिंग करने के लिए हम जो आरसीसीबी का कनेक्शन है उसको आउटगोइंग टर्मिनल से डिस्कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, यानी कि ये दो वायर को ओपन कर देंगे। ठीक है दोस्तों, दोस्तों यदि आपको मेन पावर डीबी का वायरिंग करना नहीं आता है तो दोस्तों इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हूँ, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक पोल, एनर्जी मीटर और एमसीबी और आरसीसीबी ऑलरेडी कनेक्ट है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सोर्स टू के लिए हम यहाँ पे एक जनरेटर को यूज़ कर ले रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये जो जनरेटर का पावर सप्लाई है उसको बंद और चालू करने के लिए हमने यहाँ पे एक एमसीबी को कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो चलिए इस जनरेटर का पावर सप्लाई इस एमसीबी तक पहुँचा देते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो जनरेटर का न्यूट्रल सप्लाई है इस एमसीबी के एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे, और फिर सप्लाई को दूसरे टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें दो पावर सप्लाई मिल गया है। ठीक है, अब हमें इस पावर सप्लाई को लोड के साथ कनेक्ट करना है। नॉर्मली तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से पावर सप्लाई लेके सीधा लोड को कनेक्ट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें दो अलग अलग पावर सोर्स को कंट्रोल करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पे दो कॉन्टैक्टर यूज़ करेंगे। ठीक है, एक कॉन्टैक्टर हमारा इलेक्ट्रिक पोल से जो पावर सप्लाई आ रही है उसको कंट्रोल करेगा, और दूसरा जनरेटर से जो पावर सप्लाई आ रही है उसको कंट्रोल करेगा। चलिए दोस्तों, अब सबसे पहले हम यहाँ पे पावर वायरिंग को कर देते हैं। पावर वायरिंग बहुत ही आसान है, बस अच्छे से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमारा आरसीसीबी है उसके आउटगोइंग टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके हमारा जो कॉन्टैक्टर है उसके पावर टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर हम फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई दोनों को कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब जो आउटगोइंग टर्मिनल है इनमें एक वायर को कनेक्ट करके हमारा जो लोड है उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई दोनों को लोड के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर नॉर्मली हमारा जो घर का वायरिंग है उसमें हमने केवल वायर को डिस्कनेक्ट करके बीच में एक कॉन्टैक्टर को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, सेम चीज़ जनरेटर के लिए भी करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमारा जो एमसीबी है उसके आउटगोइंग टर्मिनल से हमारा जो कॉन्टैक्टर है उसको कनेक्ट कर देंगे। ठीक, यहाँ पर हमने फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई दोनों को कनेक्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, ये जो कॉन्टैक्टर है इसके आउटगोइंग टर्मिनल को इस कॉन्टैक्टर के आउटगोइंग टर्मिनल के साथ शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने न्यूट्रल को न्यूट्रल से शॉर्ट कर दिया, और फेज को फेज के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अभी देखिए ये हमारा पावर वायरिंग कंप्लीट हो गया। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोर्स वन और सोर्स टू दोनों के पावर सप्लाई को हमने आपस में शॉर्ट कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट करने के बाद यदि आपका जो दोनों कॉन्टैक्टर है एक साथ चालू हो जाएगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पे हमेशा याद रखना है कि दो पावर सोर्स आपस में कभी मिलना नहीं चाहिए, यानी कि एक टाइम में केवल एक कॉन्टैक्टर ऑन होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों कि ये जो दोनों कॉन्टैक्टर हैं इनको आपस में इंटरलॉक कर देंगे। दोस्तों इसका इंटरलॉकिंग हम कंट्रोल वायरिंग में कर देंगे। ठीक है, अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम चालू करने के लिए कोई भी स्विच विच का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम केवल इसमें सिंपल वायरिंग करेंगे। यानी कि यदि पावर सप्लाई यहाँ पर है
तो हमारा कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो जाना चाहिए, ठीक है। सेम यहाँ पे भी होगा, यदि पावर सप्लाई यहाँ पे होगा तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है ऑन हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होता है, देखिए यदि हमें इस कॉन्ट्रैक्टर को चालू करना है तो A1 टर्मिनल पे फेस सप्लाई और A2 टर्मिनल पे न्यूट्रल सप्लाई देना होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें एक इंटरलॉक यूज़ करना है, तो इंटरलॉक के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से पावर सप्लाई लेंगे और ये जो हमारा दूसरा कॉन्ट्रैक्टर है इसका NC कॉन्टैक्ट यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और इस कॉन्ट्रैक्टर के NC कॉन्टैक्ट जो है उसका आउटगोइंग टर्मिनल से हम एक वायर को कनेक्ट करके हमारा जो ये वाला कॉन्ट्रैक्टर है उसके A1 टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो दूसरा कॉन्ट्रैक्टर है इसका NC कॉन्टैक्ट हमने यूज़ किया है। दोस्तों इसका बेनिफिट ये होगा कि यदि ये वाला कॉन्ट्रैक्टर बंद है तभी ये जो कंट्रोल सप्लाई है वो यहाँ से फ्लो होगा, यदि ये वाला कॉन्ट्रैक्टर ऑन है तो यहाँ से पावर सप्लाई फ्लो नहीं हो पाएगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे दूसरे वाले कॉन्ट्रैक्टर का हमने NC कॉन्टैक्ट यूज़ कर लिया है, ठीक है। अब ये जो कॉन्ट्रैक्टर है हमारा उसके A2 टर्मिनल पे न्यूट्रल सप्लाई देना है, तो न्यूट्रल सप्लाई के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके इस A2 टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब देखिए दोस्तों ये जो हमने यहाँ पे किया था सेम चीज़ हम इस कॉन्ट्रैक्टर के लिए भी करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका जो पावर सप्लाई है यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके इस कॉन्ट्रैक्टर का NC कॉन्टैक्ट यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अब इसके आउटगोइंग टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके हमारा जो ये वाला कॉन्ट्रैक्टर है उसके A1 टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये जो कॉन्ट्रैक्टर है इसके A2 टर्मिनल पे हम न्यूट्रल सप्लाई देंगे, तो न्यूट्रल सप्लाई के लिए हम यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके इस A2 टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमारे घर के लिए ऑटो चेंज ओवर स्विच बनाएंगे, ठीक है। दोस्तों इस वायरिंग में यदि आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो पर लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।